हेलो गाइस, मैं तरन्नुम साकिब आप सबका वेलकम करती हूँ अपने कुकिंग चैनल में। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ बगैर समोसा पट्टी का समोसा कैसे बनाते हैं उसकी बहुत ही आसान सी रेसिपी, और बहुत परफेक्ट तरीके से ये बनकर रेडी होगा। जिसे नहीं भी आता होगा वो भी बना लेगा, जिसके पास पट्टी नहीं है वो इस तरह से ज़रूर बना सकता है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो जो न्यू है, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की आसान आसान सी रेसिपी सीखने के लिए। तो वीडियो को स्किप ना करें, फुल वीडियो में बने रहें। चलें बनाते हैं। मटन कीमे का परफेक्ट समोसा बनाने के लिए यहाँ मैं ले ली हूँ 500 ग्राम कीमा है। ये है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। यहाँ ली हूँ मैदा, इसका दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे। जार में आप दरदरा पीस लें या कूट भी सकते हैं। मैदे का डो तैयार करेंगे, टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करेंगे। आधा कप के करीब रिफाइन ऑयल ऐड करेंगे मोइन के लिए। हाफ टी स्पून अजवाइन को क्रश करके ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे पहले। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी हाथ में लगाकर इसको अच्छे से, जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसका डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैदा गूंध कर रेडी है, इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। यहाँ पेस्ट भी बन चुका है। यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई अच्छे से प्री हीट कर ली हूँ। इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ सरसों की ऑयल ऐड कर रही हूँ। थोड़ा ही सा ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। तो यहाँ मैंने 3 टीस्पून के करीब ऑयल ऐड की हूँ। यहाँ ऑयल जो है बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो यहाँ मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज स्लाइस में कटिंग कर ली है। इसको ज़्यादा लाल नहीं करना है, फौरन 1 मिनट बाद ये पेस्ट ऐड कर देना है। यहाँ 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करना है। तो आप मटन का कीमा है तो मटन का ही गरम मसाला ऐड करिएगा। तो यहाँ मसाला ऐड करके 2 मिनट हो चुका है। तो यहाँ फौरन कीमा भी ऐड कर देंगे। अच्छे से ऊपर नीचे करके इसको मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर। बहुत ही टेस्टी ऐसे बनता है ये कीमे का समोसा, और ये कीमा भी बहुत ही टेस्टी बनता है। टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक ऐड किया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं ऐड करना है, अच्छे से मिक्स कर देना है और मीडियम फ्लेम करके इसको लिड लगा देना है। बीच बीच में इसको चलाते रहना है। 12 से 15 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। यहाँ देखिए, अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती ऊपर से ऐड कर देंगे और अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ देखें, ये बिल्कुल अच्छे से 15 मिनट के अंदर ही ये रेडी हो चुका है। ये पानी बहुत ज़्यादा छोड़ेगा, पानी इसमें नहीं डालना होता है। जब ये पानी छोड़ दे तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसको कुक होने दें। जब ये अच्छे से इसको चेक कर लीजिए ओपन करके, इस तरह से कुक हो जाए तो इसको हाई फ्लेम पे इसका पानी जो है उसको जला दीजिए, सुखा दीजिए पानी। उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। धनिया पत्ती से इसको थोड़ा सा, इसमें धनिया पत्ती ऐड कर दीजिए। आपने चिली फ्लेक्स भी ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ ऐड नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ज़्यादा हरी मिर्च ऐड कर रखी हूँ। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ कर देंगे फ्लेम को ऑफ और इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ मैदा जो है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। तो यहाँ मैंने मैदे का डस्ट ले ली हूँ, हाथों में थोड़े थोड़े से लेकर इसका लोई बना लूँगी। यहाँ देखिए इस तरह से। तो जैसे हम रोटी बनाते हैं सेम उसी तरह से बना लेना है। थोड़ा पतला बनाना है, ये बहुत आसान है समोसा बनाना इस तरह से। एक बार आप बनाएंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। इस तरह से बेल लेना है, बिल्कुल सेम रोटी की तरह ही इसको बेलना है। यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल रोटी की तरह बेल चुका है। अब इसके बीच में फिलिंग भरेंगे, देखें इस तरह से भर देंगे। उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे
बहुत आसान है, जिसे नहीं भी आता होगा, और पट्टी जिसके पास नहीं है समोसा पट्टी, वो बिल्कुल आसान तरीके से ये समोसा बना लेगा। इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से कर दीजिए। बगैर पट्टी का भी आप घर पे आसान से बना सकते हैं समोसा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये बना है, कीमे का समोसा बगैर पट्टी का। पट्टी बनाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है समोसा पट्टी। तो इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। जैसे आपसे ना बने तो इस तरह से पूरी या रोटी की साइज़ बना लेना है। इसमें साइड में कीमे को भरना है, बीच में नहीं भरना है, साइड में ऐसे इसको रख देना है और यहाँ से इसको ऐसे पलट देना है। ये आप चाहें तो हल्के हल्के पानी लगाकर भी इसको ऐसे दबा सकते हैं, और डायरेक्ट भी ऐसे दबा सकते हैं। ये बहुत आसानी से इजी तरीके से दब जाती है। और यहाँ से ऐसे उठाएंगे, ऐसे मोड़ लेंगे। इस तरह से भी बगैर पट्टी का आपका समोसा बनकर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो देखें, देख सकते हैं कितना आसान तरीके से बना है। आपको बिल्कुल पट्टी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत अपने घर में मैदा गूंदिए और इस तरह से बना लीजिए समोसा। तो यहाँ देखें, बगैर समोसा पट्टी का समोसा बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसको फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से ये समोसा बना है। आप दोनों साइड से भी देख सकते हैं। जो ऑयल है वो बिल्कुल अच्छे से गर्म है। तो सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे, फ्लेम को मीडियम करके ही ऐड करें। डायरेक्ट ऐड करेंगे तो आपके समोसे जल सकते हैं एक साइड से। तो फ्लेम मीडियम करके ही ऐड करना है, हाई मीडियम पे ऐड नहीं करना है। देखें कितना अच्छे से ये फूल रहा है। तो यहाँ हमें किसी भी पट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारा समोसा बिल्कुल आसान तरीके से बन चुका है। हाई मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से तल लेना है। तो जिसे नहीं भी आता होगा समोसा बनाना, वो भी इस तरह से समोसा बनाकर रेडी कर सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं समोसे का कितना अच्छा कलर आ चुका है। तो इसे निकाल लेंगे। इसको निकाल कर किसी भी प्लेट में टिशू पेपर लगा कर ही निकालें। उससे क्या है, आपका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर लेगा टिशू पेपर। तो यहाँ आप देख सकते हैं समोसा बिल्कुल रेडी है बगैर पट्टी का, और कितना अच्छा बना हुआ है। उसके साथ है इमली की चटनी, धनिया की चटनी, हरी मिर्च। तो देखिए आप कितना ये परफेक्ट बना हुआ है, देख सकते हैं। तो आप सब ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो आगे शेयर करिएगा। जो न्यू है वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की आसान आसान सी रेसिपी सीखने के लिए, वीडियो देखने के लिए। तो फिर कल मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।